Hey guys, welcome back to the another video. OnePlus Plus Fast Setup Blue All. अब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉमन रखता है अपने गेम के अंदर एंड यार इस टॉपिक को मेरा कवर करने का मतलब है मिस्टेक। अब यार सारे प्लेयर को तो पता होगा कि सेटअप ब्लू ऑल किस तरीके से लगाते हैं एंड यार वन टैप भी किस तरीके से मारा जाता है एंड वही अगर ये दोनों ट्रिक को एक साथ में अगर अप्लाई किया जाए अपने गेम के अंदर तो बंदे का गेम प्ले क्या ही अनदर लेवल का दिखाई देता है एंड यार उस बंदे का गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का हो जाता है एंड यार कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बंदा अगर वन टैप भी मारता है देन यार उसका सेटअप ब्लू ऑल नहीं लग पाता है एंड यार जिसकी वजह से वो बंदा बार बार बटन क्लिक ही करते रहता है देन सामने वाला प्लेयर उसको मार देता है एंड यार ये बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होती है। उनको पता ही नहीं होता कि कब किस टाइम पे बटन क्लिक करना है एंड देन और वो बंदा अगर सेटअप ग्लू ऑल लगाने की भी कोशिश करता है तभी भी गाइस यार वो सेटअप ग्लू ऑल नहीं लगा पाता है एंड यार स्ट्रेट पोजीशन पे ही लगा पाता है या फिर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि गाइस यार वो बंदा डायरेक्टली एक ही पोजीशन में खड़े हो जाता है एंड यार वो भाग भी नहीं पाता। ये मिस्टेक को कवर करने वाला हूं एंड यार उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अब यहां पे मैं आप लोगों को फ्री फायर की सेटिंग नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को मैं फ्री फायर की सेटिंग बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी एंड ऑलमोस्ट हर प्लेयर को फ्री फायर में फास्टेड ग्लू ऑल लगाने के लिए सारी सेटिंग पता होगी। तो सीधा बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ एंड यार वहाँ पे अपनी मेन टॉपिक में कवर करते हैं। तो अब देखो यार बात आती है वन टैप हेडशॉट। अब वन टैप हेडशॉट मारने के लिए जस्ट यार आप लोगों को एनिमी को ऑब्जर्व करना पड़ता है देन अगर आप लोगों का एम एक परफेक्ट पोजीशन पे है तो आप लोग जैसे ही इजिली तरीके से ड्रैग करोगे तो इजिली तरीके से वन शॉट कनेक्ट हो जाता है एंड यार वहीं अगर बात कर लीजिए सेटअप ग्लू ऑल लगाने के लिए तो आप लोगों के कस्टम एचयूडी पे बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब यार जस्ट यार कस्टम एचयूडी को मैटर करने के लिए आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट रखता है वो होता है ग्लू ऑल का बटन किस जगह पे है एंड यार आप लोगों का ग्लू ऑल बटन जस्ट यार आप लोगों को रन वाले बटन के नीचे जस्ट बाजू में ही रखना है एंड यार ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो अपने ग्लू ऑल के बटन को अनदर प्लेस पे ही रख देते हैं तो कभी भी आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है अपने गेम के अंदर एंड यार वहीं अगर आप लोग मेरी वीडियो के क्लिप में देखोगे तो कभी भी गाइस यार अगर बंदा अगर आपके सामने कस्टम में या फिर किसी भी मैच में आपके सामने अगर सोलो है तो बहुत ही थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है उस बंदे को वन टैप मारना क्योंकि बंदे का पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है। तो कभी भी गाइस यार जस्ट यार आप लोगों को इतना गेस्ट करना एंड यार बंदा आप लोगों के दो साइड से ही निकल सकता है या फिर लेफ्ट या राइट एंड यार वहीं अगर आप लोग मेरे वीडियो के क्लिप में देखोगे जस्ट यार मैं बंदे को या लेफ्ट या राइट की तरफ ही देन फायर कर रहा एंड यार मैं हमेशा रेडी रहता हूं कि कभी भी गाइस यार अगर बंदे के अगर एम भी मिस हो रहा है मेरा देन मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों का अगर एम भी मिस हो रहा है तभी भी आप लोगों को सेटअप ग्लू ऑल लगाना ही है। अब यार बंदा कंफ्यूज कहां होता है। अब देखो यार सेटअप ग्लू ऑल लगाने के लिए बंदा कभी भी कंफ्यूज ये होता है कि सबसे पहले या वो फिर वो क्राउच वाला बटन देन क्लिक कर देता है एंड यार ग्लू ऑल वाला बटन क्लिक कर देता है। तो कभी भी अगर आप लोग मेरी एचयूडी के हिसाब से भी चलोगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं फायर कर रहा हूँ देन यार अपने फायर बटन को जस्ट यार नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ एंड कभी भी आप लोगों को अपने फायर बटन को छोड़ना नहीं एंड वैसे ही नीचे लेके आते ही जस्ट यार मैंने क्राउच वाले बटन को क्लिक कर दिया एंड क्राउच वाले बटन को क्लिक करते ही वॉल वाले बटन को क्लिक करना एंड क्लिक करते ही आप लोगों को जस्ट यार लेफ्ट फायर बटन को क्लिक कर देना एंड यार लेफ्ट फायर बटन से क्लिक करते ही आप लोगों का एक फास्टेस्ट लेवल से ग्लू ऑल लगते हुए दिखाई देगा एंड बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल का। तो कभी भी आप लोगों को ट्राई करना है कि लेफ्ट फायर बटन का यूज करना एंड यार ऑब्जर्व सी बात है कि अगर आप लोग अपने फायर बटन से अगर वॉल लगाओगे तो बहुत ही इजीली तरीके से लगेगा बट गाइस फास्टेस्ट लेवल से नहीं लगा पाओगे एंड यार यही ट्रिक जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है देन यार आप लोगों को एनिमी को वन शॉट मारने के लिए जस्ट यार एनिमी के आसपास अपने एम को कनेक्ट रखना है एंड देन जैसे ही एनिमी आप लोगों के आसपास एम के आता है वैसे ही आप लोगों को ड्रैग कर देना। ड्रैग करने की पोजीशन आप लोगों को हमेशा पता होगी या फिर रोटेशन ड्रैग को अप्लाई करना या फिर देन यार स्ट्रीट ड्रैग का अप्लाई करना एंड ये दोनों ड्रैग का अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग वन शॉट कनेक्ट कर पाओगे देन इजीली तरीके से वन शॉट भी मार पाओगे एंड सेटअप ग्लू ऑल भी लगा पाओगे एंड वो मैटर करता है सेटअप ग्लू ऑल लगाने के लिए आप लोगों की कस्टम एचयूडी पूरी तरीके से मैटर करता है एंड स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बट गाइस यार वहीं अगर आप लोग सेटअप ग्लू ऑल फास्टेस्ट तरीके से सीख जाते हो बहुत ही ओपी लेवल का आप लोगों को गेम प्ले दिखाई देगा। कभी भी गाइस यार आप लोगों के हाई लेवल की सेंसिटिविटी पे भी खेलना है एंड यार आप लोगों को अपनी कस्टम एचयूडी को एक परफेक्ट लेवल पे कस्टमाइज करके रखना है जिससे यार आप लोगों को परफेक्टली तरीके से आप लोगों की कस्टम एचयूडी आप लोगों को समझ में आए एंड लाइक अपने डिस्प्ले पे अपने फिंगर को स्मूथली तरीके से रन करने के लिए आप लोग पाउडर का भी यूज कर सकते हो जो कि ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि पाउडर का भी यूज करते हैं एंड यार ये सारी चीजें के बाद भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है गाइस यार क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।